किसानों को नहीं होगा नुकसान, उपभोक्ताओं पर कम होगा टैक्स का बोझ। किसान कानून पर मचे घमासान के बीच व्यापारी संगठन कैट के उपाध्यक्ष कीर्ति राणा ने इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इस कानून से किसानों को देश के किसी भी कोने में अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। सरकार ने इस कानून में मंडी टैक्स खत्म कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ कम होगा और किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल पाएगी। सरकार ने मॉल्स और सुपरमार्केट को पहले से ही टैक्स से छूट दे दी थी, किंतु व्यापारियों पर टैक्स जारी था, जो मोदी सरकार ने अब खत्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को उनकी फसल खराब होने पर कॉन्ट्रैक्टर उनकी फसल की पूरी कीमत चुकाएगा, जिससे देश के किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। मोदी सरकार ने जो किसान का कानून निकाला, जिसमें एपीएमसी के मार्केट के बाहर जो भी माल बिकेगा उसको एपीएमसी नियमन से मुक्त कर दिया है, मार्केट फी नहीं लगेगी, ये सबसे बड़ा फायदा ग्राहक को हुआ है, कंज्यूमर को हुआ है। और यही डिमांड हम सालों साल से नवी मुंबई की किराना मार्केट कर रही है। आज ये किराना मार्केट जो है वो सही अर्थ में इंटरनेशनल मार्केट है। एपीएमसी हमने विलिंगली स्वीकार किया था सिर्फ दक्षिण मुंबई की गिश्ता ट्रैफिक की समस्या हल करने को। मोदी सरकार ने जो किया है वही काम महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में किया था। फ्रूट वेजिटेबल ऑनियन पोटैटो जो है वो मार्केट के बाहर निकाल दिया गया है और आज भी वही चालू है। किसान के नाम पे जो राजनीति होती है बड़े दुखदायक है। आज सबसे बड़ा फायदा ग्राहक को हुआ है। किसान का जो परिस्थिति है वो एमएसपी के बारे में है। आज तक हमने देखा है, 50 साल का तजुर्बा है, कि क्वालिटी वेरिएशन कौन देखेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, किसान को सही दाम मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, इसमें हम दुमत नहीं है। आज हमारे यहाँ इलायची में हम सक्सेस है, वो ज़्यादा दाम मिलते भी है उनको, कंपटीशन होती है, स्पर्धा होती है। आज परिस्थिति ऐसा है कि आपको स्पर्धा में जुड़ना नहीं है, आपको वही जूना पुराना 1963-67 का कानून चलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।